तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज है 4 फरवरी और आज का एग्ज़ाम था हिस्ट्री का। उम्मीद है कि आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा बेहतर गया ही होगा। छप्पड़ फाड़ करके आज आपका एग्ज़ाम बेहतरीन गया होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि आज का भी हमारा गैस क्वेश्चन पूरा का पूरा टकरा गया, वो भी सिर्फ MBBI प्रश्नों से ही। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना प्रश्न टकराया है इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो छात्र हमारे गैस क्वेश्चन पहले नहीं खरीदे थे वे हमें कॉल करके गैस क्वेश्चन ना खरीदे। ठीक है, चाहे गैस क्वेश्चन जितना अमाउंट निर्धारित था यानी 100 रुपीज निर्धारित था, चाहे आप हमें 200 रुपये ही क्यों ना दे, 300 ही क्यों ना दे, फिर भी मैंने सेल करना बंद कर दिया। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको गैस क्वेश्चन सेल कर दूं और आप उसे चीट बना करके एग्ज़ाम देने के लिए जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हीं कारण से मैं गैस क्वेश्चन आज से 15 दिन पहले से सेल करना बंद कर दिया। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, यदि मैं आपको गैस क्वेश्चन दे देता हूं तो आप एक दिन में उस गैस क्वेश्चन से कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप मजबूरन चीट बना करके लेकर के ही जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में चीट करें। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं कि मेरे गैस क्वेश्चन से कितना प्रश्न टकराया है तो मैं सर्वप्रथम आता हूं दीर्घ पे। प्यारे बच्चों देखिए, मॉडल पेपर से मैंने नहीं मिलाया कि मॉडल पेपर से कितना पूछा गया, क्योंकि हमको पता ही है कि मॉडल पेपर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वो आप सभी का भर महीना होता है कि मॉडल पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर का मतलब होता है कि सैंपल पेपर, कि वो इस प्रकार से एग्जाम लेगा, ना कि उससे क्वेश्चन पासिंग मार्क्स भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूँ दीर्घ में, तो दीर्घ में देखिए आपको कुल कितना प्रश्न पूछे गए, 8, और दीर्घ में मैंने दिया था 20 क्वेश्चन। कितना? 20, और 20 में से एक था आपका मानचित्र, यानी कि दीर्घ में कुल प्रश्नों की संख्या कितना था? 19। तो 19 में से 8 का 8 आपको पूछ दिया गया। ठीक है, और प्यारे बच्चों खास बात यह है कि 6 ऐसे प्रश्न थे जो डायरेक्ट MBBI प्रश्न से पूछे गए। ठीक है, यानी जो मैंने उन 19 में से जो MBBI अंडरलाइन किया था उसी में से कितना प्रश्न आए? 6 प्रश्न आए। शेष जो 2 प्रश्न थे वो सिर्फ और सिर्फ BBI से आए। ठीक है, अब देखिए 19 कुल प्रश्न संख्या मैंने कितना दिया, 19। 19 में भी MBBI मैंने प्रश्न दे रखा था, BBI दे रखा था, उसके बाद इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट को छोड़ दीजिए, हमारा MBBI और BBI ही टकरा गया। यदि आपने सिर्फ MBBI ही पढ़ा होगा तो कितने प्रश्न पूछे गए? तो 6, जबकि आपको कितना बनाना था? तो 4। इसलिए यदि आपको दीर्घ में 20 में से कम 18 नंबर 100% आना ही चाहिए। यदि नहीं आया तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखिए मैंने गैस क्वेश्चन आज सेल नहीं किया था, मैंने आज से लगभग 3 मंथ पहले गैस क्वेश्चन सेल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, 3 मंथ पहले से। ठीक है, तो दीर्घ में तो पूरा का पूरा आपको टकरा गया, सिर्फ MBBI से 6 प्रश्न, BBI से आपका 2 प्रश्न। देखिए MBBI में यदि हम आपको बता देते कि कहां कहां से प्रश्न है, देखिएगा MBBI का आपका 3रा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें, अंडरलाइन लगा हुआ है। फिर इसी में देखिए 4था प्रश्न भी आपको पूछ दिया गया, गौतम बुद्ध की उपदेशों का वर्णन करें। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिएगा 6ठा में आपका है भूमि बंदोबस्त, वो भी आपका पूछ दिया गया अकबर का। फिर आपका देखिए 8वां प्रश्न आपका है आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन का वर्णन करें, ये भी अंडरलाइन लगा हुआ है, BBI 8 नंबर प्रश्न में है। ठीक है, फिर देखिएगा 9 नंबर प्रश्न में एकदम सीरीज में आपको पूछ दिया एकदम लाइन से। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य का उपलब्धि का वर्णन करें, ये भी पूछ दिया गया है। फिर बच्चों देखिएगा 12 नंबर में भक्ति आंदोलन, ये भी आपको पूछ दिया गया है। ठीक है, तो 6 तो 6 आपका क्या था कि पूरा का पूरा BBI प्रश्न से था। बाकी जो 2 प्रश्न है, ठीक है, वो आपको 42 नंबर में है ना मिल जाएंगे, दांडी यात्रा गांधी जी का, ठीक है, फिर साइमन कमीशन। ठीक है शेष प्यारे बच्चों, अब हम बात करें लघु का, तो देखिए लघु में दिक्कत आपका यह हो गया कि लघु में MBBI प्रश्न से 7 प्रश्न पूछे गए। कितना प्रश्न? 7। ठीक है, MBBI से 7 प्रश्न पूछे गए और 30 में से आपको 28 प्रश्न डायरेक्ट आए।
30 में से कितना, 30 गैस क्वेश्चन में से 30 में से 28 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। शेष जो दो प्रश्न है वह दो प्रश्न कौन नहीं आए, तो उत्खनन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उत्खनन प्यारे बच्चों मैंने क्लास में कई बार पढ़ाता है कि उत्खनन क्या है, ठीक है, तो इसमें तो कोई लिखने वाली बात आपको था नहीं। और उसके बाद चार कुछ इस प्रकार से था, वो भी जनरल नॉलेज के ही तहत था, ठीक है, वो आप आसानी से जवाब भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनको लगा करके कि हमारा 30 में 30 भी टकरा गया था, ठीक है। और खास बात यह था कि इस गैस क्वेश्चन से जो आपको डायरेक्टली 28 प्रश्न पूछा गया, इन 28 में से 7 प्रश्न आपको था MBBIS, यानी कि लघु में MBBIS से कम ही प्रश्न पूछे गए थे 7, और 7 में से बाकी जितना प्रश्न है यानी 21 प्रश्न आपको पूछे गए थे VBI से, ठीक है। VBI से 21 प्रश्न पूछे गए और MBBIS से 7 प्रश्न आपको पूछे गए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे बहुत बच्चे हैं ना कहते थे जब गैस क्वेश्चन जब खरीदने रहे थे कि सर टकराएगा कि नहीं टकराएगा, कितना परसेंट टकराएगा, ठीक है, आप हमें बताइए, पता नहीं टकराएगा कि नहीं टकराएगा। तो प्यारे बच्चों आज आप मिला लीजिए कि हमारा गैस क्वेश्चन कितना टकराया है। हम हिस्ट्री की ही बात नहीं करते, हिस्ट्री के अलावा आप ज्योग्राफी का देखिए, ज्योग्राफी में कितना टकराया है, पॉलिटिकल साइंस में देखिए, पॉलिटिकल साइंस में भी लघु में पूरा टकरा गया है, सिर्फ आपको दीर्घ में कम टकराया था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल। तो कभी कभी एक्सेप्शन केस आपको ना चले आता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कब होता नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसके अलावा भी देखिएगा, हमारा साइकोलॉजी वो भी टकराएगा, इकोनॉमिक्स भी टकराएगा, ठीक है, हिंदी भी टकराएगा, सोशोलॉजी भी टकराएगा और म्यूजिक भी टकराएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी एग्जाम अच्छी जा रही है। धन्यवाद।